जी माड़े दोस्तों, अज ईदी ना दूआ ध्याड़ा है तो अज प्रोग्राम है कि बाहर निकलिया जाए तो कि विजिट किया जाए गया इलाके क्या अच्छी गर्मी बहुत लगनी पी है तो इस वजह से दिसना उसे मैं बुन लेटिया कि ठंडा हो जाए तो अभी कोशिश कर सा कि ठंडे इलाके जुला तो ठंडी ठंडी हवा लवाना तो अगर तुम नाल जुड़े रहो तो तुम्हें पता लगे अच्छे कि असं इलाके जा रहे हैं। लैस गो। माया कश्मीर दिया हुक्का पींदे ओ दम लाके, ओ माया कश्मीर दिया हुक्का पींदे ओ दम लाके, वे आया दिया लख खुशियां। जी मारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना असं सारे ठीक ठाक सौ खुश बाश रसूल तआला हिफ्ज ओ ईमान विच सौ। दोस्तों अज ईद ना दूसरा दिन है, असं अपने शहर डडियाल चो निकली दा कोटली आए, तो कोटली हो गया आए गए हैं पलंदरी बाजार विच। तो अज असं कि पलंदरी ने खूबसूरत खूबसूरत इलाका चाह इस असं मौजूद हाँ, पलंदरी बाजार मौजूद हाँ, सारे नाल विकास इंसारी साहब भी मौजूद है। तो अज ना सा टूर होया तो इन्होंने पूछने सारा विजिट जो है कैसा रहा है? जी वही विजिट बड़ा अच्छा हो तको असं डडियाल तो शुरू होटली और कोटली तो आसा आसा पलंदरी पहुंचे हैं और मौसम तकी तक तको के मौसम बड़ा अच्छा इतना बने पता ही लैन के बारिश आई गई है और इलाका भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। असं भी पहले दफा तुम नाल ही आए हैं। अगर असं तो क्या है कि काफ़ी असं पिछे असं तो धुप्प निकलती सी इतना हूँ आया दस्ती जरा ना वो मौसम चेंज हो गया दस्ती बारिश बनी आई है। लेकिन ये कि हर एरिए अपना अपना एक सिस्टम है तो कुदरत तरफों इंतजाम होना तो जितना जितने संख्या जाने संख्या तो इस तू मजीद और अच्छा मौसम हुआ है जो जो ऊंचाई तरफ जाने इलाका जो बादल चुको सिरा ब्रशने पर आस्ता 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 जितने असं अगे जाने उतना मौसम जो अच्छा लग सी सही। अच्छा असं बाजार ना विजिट नहीं किया पर असं पिछले इलाके तक ना चिराने पहाड़ तक काफ़ी दरिया गुजरने पर काफ़ी खूबसूरत इलाके सन। लेकिन यह कि उन्होंने बनिस्बत जो ना पलंदरी आए हैं ये उन्होंने भी अच्छा इलाका है और पता भी लगना कि वाकई ये खूबसूरती है। बाजार ना विजिट कर उस तो बाद पता लग सके कैसा एरिया है तो इतना पता लगा पे कि जैकेट ना लानी चाहिए सी। बिल्कुल सही गल है असं इस मैंने जैकेट लाई है कि सर्दी इतनी महसूस नहीं है सर्दी है इतने इस वे मौजूद सर कोटली चौक पलंदरी मौजूद सा तो इतों जी है ना पलंदरी बाजार से जाना साइड तो कोटली से जा सकना तो बाकी गल सौ नाल असं इस पलंदरी बाजार ना विजिट ना नाल कराने रह सा। आया दिया लख खुशियां तुर जांदे ओ गम लाके, ओ माया कश्मीर दिया तुर जांदे ओ गम लाके, साडे बालों विच हरियां मर जांदे रोटी नाल खाया भी करो साडा जोगिया मलंगा वाला फेरा कश्मीर दिया रंग कीता बंगले नू वे ना दुखिया पोए वे ना दुखिया पोए ना करिए अगले नू, ओ माया कश्मीर दिया ना करिए अगले नू, साडे बालों विच चुगदी हरणी ते हरणी दे गल टलियां आके मिल जावो सानू दिल जानिया आके मिल जावो सानू दिल जानिया, मेरा मां मल खलिया मेरा मां मल खलिया। कश्मीर दिया कोई लकड़ी दे पेचे नी, ओ माया कश्मीर दिया कोई लक
मेरे दोस्तों इस वेल्लै मैं पलंदरी बाजार जी मौजूद हाँ। यह बाजार ने एक कोना है, उतो स्टार्ट करता तुम्हें व्यू चेक करा सकते बाजार ने कोने से चेक करा सकता ताकि पूरा बाजार तकी सको है। तो बाकी अगर कोई आजाद मिले गप शप भी कर सकते जल्द बाजार में विजिट करना बैक कैमरे पर जी दोस्तों तकी सकने बाजार ना व्यू ज्यादा दुकाना जो क्लोज हैं क्योंकि अज ईद ना दूसरा दिन है, लॉकडाउन भी है और उस तो बाद जुम्मा है। बाकी गड्डिया वगैरह खलती हुई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? गड्डिया खलती हुई, जुम्मे माने लोग गए हुए मस्जिद बाहर निकलने पे विजिट चेक कर सकने। पलंदरी बाजार संदौती जिले काफ़ी खूबसूरत इलाका है। इतना जो ज़्यादा मकान है और शेड वगैरह बनते हुए या शटर वगैरह पे हुए है क्या क्या ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके में फिर बर्फ वगैरह पैनी है जिस वजह से आवाम जुम्मा पड़ी बाहर निकली आई है। इस वेल जुम्मे ना टाइम है सवा एक डेट जामिया मस्जिद जी है और अपर है नीचे सले बिल्डिंग वगैरह नवी बनी रही है। क्लोज आ बाजार है क्योंकि ज्यादा आमदो रफ्त नहीं है। तो इस वेल भी आमदो रफ्त है पर सड़क क्लोज होने की वजह से ज़्यादा लगी रही है। उस बाद लॉकडाउन है उसी दिहाड़े तो इस वजह इस वे रश नहीं है कि लोग जो ज़्यादा जाने ना और अगर फिरने तुन्ने सा निकली जाए अगर घरों में बाजार अक्सरियत क्लोज है उस तरह का व्यू नहीं बनी सकना जिस तरह होना चाहिए। फिर भी चलो सी नज़र क्लोज बाजार से क्योंकि असं थोड़ा ही रोज़ अच्छा इतने तो ये आए सौ तो फिरने तुन्ने उस चलो सी खिदमत सोचा कि वीडियो भी पेश करी उड़ी है। एक है हाजी मोहम्मद प्लाजा, काफ़ी बड़ा प्लाजा है, 6-7 स्टोरियाँ ही सुनिया। तो बाकी ये प्लाट वगैरह इधर बनी रहा अड्डा उठी है इतने कुछ भी है। उस बाद इधर रक्षे जिधर जाओ ना तो चलने रहने हैं सेटिंग एरिया रक्षे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? ईद मुबारक। तो सौ इतने इलाके चाहिए काफ़ी खूबसूरत इलाके है तो सौ इलाके ने कोई मशहूर चीज़ सारी पंजाब की कोई था मतलब मुकामी सतह पर यह मशहूर है, लोग दूर दूर से रहने तकने से। वाह क्या बात है, ना क्या सुना तो सुना रक्षा कम है दिनें दिन काफ़ी असं आए हैं डिडियाल से काफ़ी इतना सुट्टी है कुदरती हुसन है इतना ठंडा इलाका है। तब ठीक फिर इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों थकी सकने बाजार ना व्यू क्योंकि क्लोजिंग ने दिन उस बाजार नहीं सफाई वगैरह नहीं हो सकी है, गंद वगैरह नजर छा सी क्योंकि चक्कर वगैरह इतना चलना रहना है जिसकी वजह से नहीं हो सके है। बाकी गए मेन चौक नहीं तरफ चाहिए जिसकी कोटली चौक आखने बेकरी लोहड़ी बेकरी। तो बाकी फ्रूट की दुकान खुली है इन दिन क्योंकि लोग की जरूरत होनी है खाने पीने में इसलिए गोश्त खाई खाई लोग थके हुए जी। दोस्तों इस विजिट तक रहे सो पलंदरी बाजार ना तो यकीन तक पसंद आया उसी है तुम्हें खिदमत इसी तरह नई नई वीडियो की हाजिर होने रहे तो यह सफर शुरू किया डिडियाल सू कोटली तो कोटली सू अगर संदौती ना इलाका से पलंदरी बाजार से है तो यह छोटा जहा बाजार से है तो क्या उसी है लोगों ने जो ज्यादा मकान है और शटर वगैरह पे हुए उपर तो उस तरह पक्के मकान नहीं है जिससे डिडियाल होने कंक्रीट ने तो इस तरह शटर बही देना इतना जो शटर पैना है ना सस्ता पैना है। उस तो बाद ठंडा इलाका इस वजह से इतना जो शटर ज्यादा बह गया सूँ कि इजाजत सी खिदमत नहीं नहीं कि वीडियो की हाजिर होने रहे तब तक गुलाबी ते फुला ते तरेल होवे चौदवी चन्न दी रात होवे चौदवी चन्न दी रात ते जदू साडा मेल होवे ते जदू साडा मेल होवे ओ माया